हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आईपीएल 2023 के खराब प्रदर्शन के बाद आईपीएल 2024 में आरसीबी पूरी तरह से अपने टीम में बदलाव करने वाली है। क्या कुछ चेंजेस करेगी आरसीबी की टीम, इसके बारे में हमारी ये वीडियो होने वाली है। सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में देंगे। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी के फ़ैन हो और क्या क्या चेंजेस टीम में देखना चाहते हो तो नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाकर रख लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको आरसीबी टीम से जुड़ी लगातार मिलती रहे। वहीं दोस्तों, ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर यार उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाओ लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन करके रख लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2023 में आरसीबी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मात्र 3 या 4 खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी खिलाड़ी सामने से जिम्मेदारी लेता हुआ नहीं दिखाई दिया। विराट, फैफ, मैक्सवेल, इसके अलावा सिराज को गेंदबाजी में छोड़ दिया जाए तो आरसीबी टीम का कोई भी खिलाड़ी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया है। हालाँकि आरसीबी जो है अगले सीजन से पहले कई बड़े बड़े प्लेयर्स को रिलीज़ कर सकती है, जिसमें हर्षल पटेल और दिनेश कार्तिक जैसे बड़े नाम शामिल होंगे। तो इनको जो 2024 के लिए बड़े बदलाव करने हैं उसकी शुरुआत रिलीज और रिटेन लिस्ट से ही की जा सकती है, जिसमें रिलीज लिस्ट में आरसीबी टीम हसरंगा, कार्तिक और हर्षल पटेल जैसे बड़े नामों को रिलीज कर सकती है, ताकि इनके पास ज्यादा पैसे आ जाए ऑक्शन में बैठने के लिए और ऑक्शन से कुछ बेहतर खिलाड़ियों को टीम में लेकर आ सके। इसके बाद दोस्तों, ये स्क्वाड में पूरी तरह से बदलाव करने वाले हैं, जहां पर भाइयों 2024 के स्क्वाड में कुछ अच्छे मिडिल ऑर्डर के भारतीय बल्लेबाज टीम में लाना चाहेंगे, जो फिनिशर की भूमिका भी अदा कर सके, इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में खासी बल्लेबाजी भी कर सके। वहीं दोस्तों, कुछ अच्छे इंडियन स्पिनर्स भी लेना चाहेंगे। इसके अलावा भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट पर इनकी नज़र होगी, जो युवा टैलेंट होता है उनको एक टीम में लेकर आना चाहेंगे, जैसे बाकी टीमें करती रही हैं। जैसे मुंबई इंडियंस ने वहां पर तिलक वर्मा को लेकर आया, आकाश मधवाल को लेकर आया, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने ध्रुव जुरेल को लेकर आया। तो कुछ ऐसे खिलाड़ियों को आरसीबी की टीम पिक करना चाहेगी ऑक्शन 2024 से। इसके बाद दोस्तों, बात करें हम दूसरे बदलाव की, तो दूसरा बदलाव यहाँ पर पूरे कोचिंग स्टाफ में हो सकता है। कोचिंग स्टाफ को आरसीबी टीम पूरी तरह से हटा सकती है और नया कोचिंग स्टाफ ला सकती है। हमने देखा कि पिछले कई सालों से माइक हेसन और संजय बांगर आरसीबी टीम के मेन कोचिंग स्टाफ में लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि टीम जो है प्लेऑफ तक क्वालिफाई कर रही है, मगर प्लेऑफ से आगे नहीं बढ़ पाई है। इस लिहाज से भी इनका पत्ता अब टीम से साफ हो सकता है। माइक हेसन, संजय बांगर जैसे कोचिंग स्टाफ को हटा करके आरसीबी टीम नया कोचिंग स्टाफ ला सकती है अपने स्क्वाड के लिए। इसके बाद दोस्तों, अगला बदलाव यहां पर हो सकता है टीम के जर्सी में। हालांकि जर्सी तो हर साल बदलती ही है, लेकिन दोस्तों इस साल भी आरसीबी टीम नए जर्सी में दिखाई देगी। इनका टाइटल स्पॉन्सर कुछ नया हो जाएगा या फिर कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यही सारे चेंजेस है जो मेरे हिसाब से होने वाले हैं आईपीएल 2024 के लिए आरसीबी टीम में। आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।